Hello everyone, welcome to Insights IAS. Today's our first topic is Oslo Accord of 1993. Accord से पहले कुछ locations को देख लेते हैं. ये आपका इसराइल है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है और लेबनान है. यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है. मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज टच करती है, इस पे प्रीलिम्स में दो बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्डन जो कंट्री है वो मेडिटेरेनियन सी से टच नहीं करती है. जॉर्डन और इराक जो है मेडिटेरेनियन सी से टच नहीं करती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के अंदर ये गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है. वेस्ट बैंक के अंदर यहाँ पे एक जेरूसलम जो सिटी है यहाँ पे और जेरिको, इन पे इनको लेके हमारा आज का टॉपिक है ये. और ये गोलन हाइट्स है जिसको 1967 के अंदर इसराइल ने सीरिया से ऑक्यूपाई किया. 1967 के अंदर जो 6 डेज़ का वार चला उस टाइम पे इसराइल ने उसको ऑक्यूपाई किया सीरिया से. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और अदर मेजर कंट्रीज़ के द्वारा इसको इसराइल की ऑक्यूपाइड टेरिटरी माना जाता है. लेकिन मार्च 2019 के अंदर यूएसए ने क्लेम किया कि वो इसराइल की टेरिटरी है. चलो उस वो हमारा टॉपिक नहीं है. हमारा टॉपिक है आज का ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993. पैलेस्टीन जो कंट्री है, पैलेस्टीन ने थ्रेटन किया है कि वो ओस्लो अकॉर्ड के प्रोविज़न से विड्रॉ कर लेगा अगर यूएसए अपनी मिडिल ईस्ट पीस प्लान को अनाउंस करेगा. मैं आपको बता दूं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस पर्टिकुलर टाइम तक मिडिल ईस्ट पीस प्लान यूएसए के द्वारा अनाउंस नहीं हुआ है. अगर उसको अनाउंस कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आगे की जो स्टोरी होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे. पैलेस्टीन को ऐसा लगता है कि जो इसराइल के द्वारा जो टेम्प्रेरी ऑक्यूपेशन है उसको यूएसए उसके परमानेंट ऑक्यूपेशन का दर्जा दे देगा. पैलेस्टीन ये मानता है कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो उसकी फ्यूचर कैपिटल है और वो एंड बिलीव मिस्टर ट्रंप्स प्लान बरीज द टू स्टेट सॉल्यूशन. मीन्स जो इसराइल और पैलेस्टीन दो कंट्रीज जो है वो उनको ऐसा लगता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो डिसीजन है मेनली इसराइल के फेवर में देगा, जो आपका पैलेस्टीन है उसको कंसिडर ही नहीं करेगा. इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर यूएसए मिडल ईस्ट पीस प्लान को अनाउंस करता है और वो प्रोविज़न अगर पैलेस्टीन के फेवर में नहीं है तो वो ओस्लो अकॉर्ड के प्रोविज़न से विड्रॉ कर देगा. अब इशू क्या है, ओस्लो अकॉर्ड जो 1993 के अंदर साइन हुआ उसके अंदर ये एग्रीमेंट हुआ कि इसराइल और पैलेस्टीन जो है जो सेटलमेंट इशू है उनको नेगोशिएशंस के द्वारा उसको डिसाइड करेंगे. इसराइल जो इस जेरूसलम के अंदर इस एरिया को ऑक्यूपाई किया 1967 के अंदर और उसको अपने कंट्री के अंदर एनेक्स कर दिया. फॉर इसराइल के अकॉर्डिंग जो जेरूसलम है वो नॉन नेगोशिएबल है और पैलेस्टीन ये मानता है कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो उसके फ्यूचर स्टेट की कैपिटल है. इसी बात को लेके दोनों के बीच में विवाद है वो जो काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो ये मानती है कि जो इसराइल के द्वारा जो टेरिटरी कैप्चर की है वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है. ओस्लो अकॉर्ड क्या बोलता है, ये प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल किसके रिलेटेड, इस्टेब्लिश अ टाइम टेबल फॉर द मिडल ईस्ट पीस ईस्ट पीस प्रोसेस. मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस रिलेटेड टाइम टेबल को ये रिलीज़ करता है. इट प्लान फॉर एन इंटरिम पैलेस्टीन गवर्नमेंट इन द गाजा एंड जेरिको इन द वेस्ट बैंक. इसके अंदर ये भी प्रोविज़न है कि इसके अंदर प्लानिंग है कि जो पैलेस्टीन की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश की जाएगी कहाँ पर, गाजा स्ट्रिप जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था और जेरिको जो कि वेस्ट बैंक के अंदर है. फिर ओस्लो फर्स्ट के बाद में आया ओस्लो सेकेंड. ओस्लो सेकेंड को ऑफिशियली बोलते हैं इसराइली पैलेस्टीनियन इंटरिम एग्रीमेंट ऑन द वेस्ट बैंक एंड गाजा. ये ओस्लो का जो फर्स्ट का जो प्रोविज़न था उसको आगे एक्सपेंड किया. उसके अंदर ये प्रोविज़न था कि इसराइल जो है अपनी जो 6 वेस्ट बैंक सिटीज़ और 450 टाउन्स है वहाँ से जो इसराइली ट्रूप्स है वो कम्प्लीटली विड्रॉ करेंगे. ऐसा इसके अंदर ओस्लो सेकेंड के अंदर प्रोविज़न था. इसके अलावा ये भी प्रोविज़न था कि जो पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो इलेक्शन का जो टाइम टेबल है वो भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा. लेकिन इसके अंदर जो जेरूसलम जो सिटी है जिसको लेके काफ़ी विवाद है उसके बारे में कोई डिसीजन मेंशन नहीं किया गया था. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओस्लो अकॉर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन थी और कौन सी चीज़ें मेंशन नहीं थी. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. एसेट एंड एडीटीसीआर रिसेंटली 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया. इसमें डीआरडीओ के द्वारा डिस्प्ले किया गया एंटी सेटेलाइट एसेट एंड एयर डिफेंस टेक्टिकल कंट्रोल रेडार. इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर एंड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से 155 mm धनुष टॉर्ड होविटजर एंड K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन इनको भी इसमें शोकेस किया गया. इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है ये दो टॉपिक जिसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया है.
एसेट और एसेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एसेट और एडीटीसीआर के सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनको इसरो के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, इनको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एसेट क्या है उसको देख लेते हैं। ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंटरसेप्टर मिसाइल एक तरफ की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मीन्स बैलिस्टिक मिसाइल आपने देखा होगा इस टाइप की, इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। पहले उसको तो गाइड करते हैं, उसके बाद में वो ग्रेविटी के कंट्रोल में अपने आप से अपने जो टारगेट को सेट किया होता है उस पर उसको अटैक करती है। तो ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसका जो कहाँ से होती है सरफेस टू एयर में इसको लॉन्च करते हैं। सो इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब ये होता है ये डिस्ट्रॉय करती है या जैम करती है सैटेलाइट इन द स्पेस। सैटेलाइट आपको पता है स्पेस में, और इसको सरफेस से करेंगे तो ये सरफेस टू एयर इसकी लॉन्चिंग होती है। अभी जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है काइनेटिक एंटी सैटेलाइट जो कि फिजिकली स्ट्राइक करती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और फिर उसको डिस्ट्रॉय करती है, और दूसरी होती है नॉन काइनेटिक एंटी सैटेलाइट जो कि फिजिकली उस पर अटैक नहीं करती है बाकी उसको साइबर अटैक्स ब्लाइंडिंग लेजर्स या उसको जैमिंग के थ्रू उसको जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करती है जो कि स्पेस के अंदर है। इसकी जो लिमिट है उसको ये माना जाता है कि 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर का सैटेलाइट किसी हाइट पे है तो उसको ये एसेट मिसाइल टारगेट नहीं कर सकती है। इंडिया की बात करें और एसेट मिसाइल की, तो इंडिया ने 27 मार्च 2019 को सक्सेसफुली कंडक्ट किया था काइनेटिक एसेट मिसाइल। काइनेटिक में क्या होगा, फिजिकली वो स्ट्राइक करेंगे और सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इंडिया ने इसको किया था। किसके अंदर इसको डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके अंदर, मिशन शक्ति जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको डेवलप किया गया एसेट मिसाइल को। ये क्या करेगी, जो आपकी स्पेस असेट्स है इंडिया के स्पेस के अंदर जो असेट्स है उनको डिफेंड करेगी। इस तरह एसेट को डेवलप करने के बाद में और सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद में इंडिया वर्ल्ड के अंदर फोर्थ कंट्री बन गया है इस टाइप की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, रशिया, यूएसए एंड चाइना के बाद में। और इसका फीचर है हिट टू किल फीचर, मीन्स ये हिट करेगा और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में उसको किल करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा वर्ड आया इसमें एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार। ये एक टाइप का वॉल्यूमेट्रिक सर्विलेंस। वॉल्यूमेट्रिक सर्विलेंस का मतलब बड़े एरिया को सर्विलेंस करेगा, डिटेक्शन ट्रैकिंग एंड फ्रेंड फो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियल टारगेट्स। फ्रेंड फो का मतलब होता है शत्रु, मीन्स आपका जो एरियल टारगेट्स है वो फ्रेंडली नेशंस के हैं या शत्रु नेशन के हैं, उनको ये क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार। और उसके बाद में क्या करेगा, जो डिफरेंट इनपुट हो गए डेटा को प्रायोरिटाइज करने के बाद में जो डिफरेंट आपके वेपन सिस्टम होंगे उनको प्रोवाइड करेगा और उसके अकॉर्डिंग अटैक करना है या नहीं करना है। अगर शत्रु की मिसाइल होगी तो उसको अटैक वाले मोड में चले जाएंगे, और आपका जो फ्रेंडली कंट्री की है तो वो नॉर्मल कंडीशन में इंफॉर्मेशन उनके पास में रहेगी। बेसिकली आपको ये पता रखना है एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार को डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा, और ये वॉल्यूमेट्रिक सर्विलेंस डिटेक्शन ट्रैकिंग एंड फ्रेंड फो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियल टारगेट्स को ये प्रोवाइड करेगा। और ये कैपेबल है वेरी स्मॉल टारगेट्स और लो फ्लाइंग टारगेट्स है उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा वो काफ़ी इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पहले देख लेते हैं, न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, पोतीपुरम विलेज इन थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु केरला बॉर्डर पर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। क्यों इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसका बेसिक पर्पज़ है जो न्यूट्रिनो होते हैं, न्यूट्रिनो की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, उसकी स्टडी करनी। अब न्यूट्रिनो की स्टडी क्यों करनी है, बिकॉज जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानते हैं न्यूट्रिनो को। इससे पता चलेगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरह से हुआ, उसको स्टडी करने में हेल्प मिलेगी, इसलिए न्यूट्रिनो को स्टडी करनी है। और इसके इस टाइप की जो ऑब्जर्वेटरीज है वो एक अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंडिया के अंदर, जो कुछ कंट्रीज़ के अंदर अंडरग्राउंड है और कुछ कंट्रीज़ के अंदर अंडर वाटर है। जैसे अंडरग्राउंड की बात करें जापान के अंदर है, आपका इटली के अंदर है, कनाडा के अंदर है, और अंडर वाटर की बात करें तो एमंडसन, स्कॉट साउथ पोल स्टेशन, अंटार्कटिका कुछ, और फ्रेंच के अंदर है, वहाँ पे अंडर वाटर है। अब देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि जब इस ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है
तो वहाँ की जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया है इसके अगेंस्ट में। एक पहले तो ये कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है, बोधी वेस्ट हिल, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये क्लोज है मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स 2020 के लिए। ये इस नेशनल पार्क के पास में है और ये थेनी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से वाइगे रिवर पास होती है। अब कंसर्न क्या है, जो ग्राम सभा है उनका क्या कहना है, उनका कहना ये है कि जो रिसेंटली तमिलनाडु के कोस्ट पे जो गाजा साइक्लोन है उन्होंने हिट किया था, तो इकोनॉमी अभी क्या है, रूरल इकोनॉमी अभी बैड कंडीशन में, अभी वो रिकवरी वाली स्टेज में है। दूसरा उनका ये कहना है कि इस ऑब्जर्वेटरी की वजह से क्या होगा कि जो लैंड है वो आपका इनफर्टाइल हो जाएगी, उनकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसका एडवर्स इफेक्ट होगा एग्रीकल्चर कम्युनिटी पे। दूसरी बात उनका कहना है कि उनको जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ग्राम सभा के जो मेंबर है उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और दूसरा है कि जो वेस्टर्न घाट है जो कि काफ़ी इकोलॉजिकल सेंसिटिव लोकेशन है, तो वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह होंगे और इतना अंडरग्राउंड 2000 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है और ऑब्जर्वेटरी की, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और दूसरा रेडिएशन, स्ट्रक्चरल डैमेज टू द माउंटेन, टू द इमिशन ऑफ हैजार्डस केमिकल, ये उनका कहना है जो ग्राम सभा के मेंबर है। इन सारे कंसर्न्स को लेके उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है उसके अगेंस्ट में। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की चुकी है। और जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है देयर विल बी नो रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक सब्सटेंस, किसी टाइप का रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक सब्सटेंस वहाँ पर रिलीज नहीं होगा। और 2019 के अंदर जो NGTA नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने भी इसको हरी झंडी दे रही थी इस प्रोजेक्ट को, इसको क्लियरेंस मिली थी 2018 के अंदर। फिर उसके बाद में मैटर NGT ने भी उसको अपनी अप्रूवल दे रही थी 2019 के अंदर, लेकिन इस प्रोजेक्ट को तब तक अप्रूवल नहीं मिल सकती जब तक कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उसके द्वारा अप्रूवल नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं, इसमें ग्राम सभा की बात आई है तो ग्राम सभा का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 243B के अंदर, और ये प्राइमरी एंड परमानेंट बॉडी है ऑफ द पंचायती राज सिस्टम है। पावर टू एन्यूअल डिसीजन का मतलब, एन्यूअल करने का मतलब किसी डिसीजन को बर्खास्त करने का जो पावर है ग्राम सभा से रिलेटेड मैटर है तो वो सिर्फ ग्राम सभा के पास में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है। इसका कंपोजिशन कौन मेंबर हो सकता है, जिन सारे मेंबर जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है और जिनका इलेक्टोरल रोल्स में नेम इंक्लूडेड है वो सारे इनके मेंबर हो सकते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर। पावर्स एंड फंक्शंस जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो पावर्स एंड फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है ग्राम सभा की। INO जो बिल्ड कर रहे हैं वो इंडिया में जो बिल्ड कर रहे हैं वो किस टाइप की है, वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी। मैंने अभी आपको बताया था अंडरग्राउंड भी करते हैं और अंडर वाटर भी करते हैं। इंडिया के अंदर जो प्रोवाइड अभी जो डिक्लेयर्ड है वो क्या है, अंडरग्राउंड लेबोरेटरी विद अ रॉक कवर टू कंडक्ट बेसिक रिसर्च ऑन द न्यूट्रिनो। वो सिर्फ अभी रिसर्च के लिए उसको कर रहे हैं। ये क्या करेगा, स्टडी करेगा ओनली एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो, एटमॉस्फेयर के अंदर जो न्यूट्रिनो अवेलेबल उनकी स्टडी करेगा। जो आपका सोलर न्यूट्रिनो है जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मच लोअर एनर्जी होती है तो ये न्यूट्रिनो, ये जो ऑब्जर्वेटरी है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए उसकी स्टडी नहीं करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को स्टडी करेंगे। और जो नोडल इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और इस ऑब्जर्वेटरी के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है बिल्ड की जगह बोथ हो जाएगा, बोथ फंडेड विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों के द्वारा इस प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेटरी को फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे वेपन लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है, देर विल बी नो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एप्लीकेशन। इसको डिफेंस एप्लीकेशन के लिए या स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के लिए वेपन लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है, सिर्फ न्यूट्रिनो की स्टडी की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। अभी हमने देख लिया इसको, अब देखते हैं न्यूट्रिनो की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। न्यूट्रिनो पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज साइंस एंड टेक का वेटेज वैसे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। न्यूट्रिनो को माना जाता है यूनिवर्स का सेकेंड मोस्ट वाइडली अकरिंग पार्टिकल इन द यूनिवर्स। फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको माना जाता है फोटोन, और फोटोन के बाद में सेकेंड नंबर पे जो वाइडली है तो जो यूनिवर्स के अंदर मिलता है वो पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की अगर बात करें तो ये हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नंबर में रहता है, हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। हमारे आसपास जो है वो लगभग 100 ट्रिलियन के आसपास जो न्यूट्रिनो से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करते हैं, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। ये उनका बहुत लाइट होता है,
इनके मास है वो बहुत कम होता है, लिटिल मास और नियरली मासलेस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रिनो का मास बहुत कम होता है या मास रहित होते हैं, और इनका चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल है और पॉइंट है। और ये इंटरेक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की हेल्प से, दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं। न्यूट्रिनो जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो। 2015 के अंदर जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया वो न्यूट्रिनो की ऑसिलेशंस की डिस्कवरी के लिए दिया गया। और न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स है वो लीस्ट हार्मफुल होते हैं, फॉर ऑफ ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स दे ऑलमोस्ट नेवर इंटरेक्ट विथ सॉलिड बॉडीज। वैसे अभी मैंने बताया उनके कोई चार्ज नहीं रहता है, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम होता है। आपका न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, लेकिन न्यूट्रिनो का जो मास होता है वो 10⁻³⁷ किलोग्राम इस ऑर्डर का होता है। तो आप मान सकते हो कि एक न्यूट्रिनो, एक न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में जो एक न्यूट्रिनो वो 17 बिलियन टाइम्स है वो लाइटर होता है। कुल मिला के आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, न्यूट्रिनो बहुत लाइट पार्टिकल होता है जिसका मास बहुत कम होता है या फिर मासलेस होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, वो सिर्फ आपका न्यूक्लियर फोर्सेस की हेल्प से दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है। अब उनको पहले डिटेक्ट क्यों करना है, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट इसलिए करना है बिकॉज जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है उसको स्टडी करने में हेल्प मिलेगी, और एनर्जी प्रोडक्शन इन द स्टार, स्टार के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका क्या रीज़न है उसमें हेल्प मिलेगी इसलिए। और तीसरा रीज़न है न्यूट्रिनो टोमोग्राफी ऑफ द अर्थ, मीन्स जो कोर, मेंटल और क्रस्ट, जो अर्थ का जो ओरिजिन है वो किस तरह से हुआ है, अंदर का स्ट्रक्चर किस टाइप का, उसकी प्रॉपर स्टडी के लिए हमको न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बिकॉज साइंस एंड टेक में जो ऑब्जेक्ट है उसका एप्लीकेशन क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको क्यों कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है नागार्जुन एक्सकेवेशन एंड वाकाटका डायनेस्टी। ये अभी नागार्जुन विलेज कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन को किया गया और यहाँ पे ये इस टाइप की सील मिली है, आपका यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो लोकेशन है नागार्जुन विलेज, नागार्जुन विलेज के वहाँ पे एक नागार्जुन फोर्ट भी है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, गोंड राजा पीरियड के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और बाद में उसको रेनोवेट और रीयूज़ किया गया भोसलेज ऑफ नागपुर के द्वारा ड्यूरिंग द 18th and 19th centuries के टाइम पे। अब इसमें मैं ना आपको बता जाऊँगा वाकाटका जो डायनेस्टी है, वाकाटक जो डायनेस्टी है वो आपका सैविज्म में बिलीव करती है। सैविज्म का मतलब जो आपका गॉड सेवा है उनको अपना सुप्रीम मानती है। वाकाटक डायनेस्टी जो सातवान डायनेस्टी के बाद में आती है और आपका जो गुप्ता डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी होती है। अब गुप्ता डायनेस्टी जो है वो बिलीव करती है अपना वैष्णवाइट में, उनके अकॉर्डिंग जो विष्णु है वो सुप्रीम गॉड है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सकेवेशन हैज़ प्रोवाइडेड, इन एक्सकेवेशन के अंदर जो लाइफ, रिलीजियस अफिलिएशंस एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ गुप्ता वाकाटक डायनेस्टी है उसके यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं। वाकाटक डायनेस्टी की बात करें तो ये सेंट्रल डेक्कन रीजन के अंदर, इनका टाइम पीरियड है 3rd century CE के आसपास, इसका जो एरिया है नॉर्थ के अंदर है मालवा एंड गुजरात, तुंगभद्रा साउथ के अंदर और वेस्ट में है अरेबियन सी और ईस्ट के अंदर है बे ऑफ बंगाल। और इसका जो मैंने बताया अभी सेवा सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म उसको फॉलो करते हैं, शिव को अपना सुप्रीम गॉड ये बिलीव करते हैं शैविज्म में। एलिफेंट गॉड है उनके, मेनली यहाँ पे वर्शिप किया जाता था उस टाइम पे। और आपका रॉक कट बुद्धिस्ट विहारा एंड चैत्यास ऑफ अजंता केव्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी उसको बिल्ड किया गया था अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाकाटका एम्परर हरिसेना के टाइम पे उसको पेट्रोनेज में उसको बिल्ड किया जाता था, विहारा एंड चैत्यास ऑफ अजंता केव्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सक्सेसर है सातवानास के डेक्कन के अंदर और ये कंटेम्प्रेरीज विद द गुप्तास इन द नॉर्थन इंडिया। यहाँ पे एनिमल रियरिंग के बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं, जो एनिमल्स लाइक कैटल, गॉट, शिप, पिग, कैट, हॉर्स, फॉल, इनके जो ट्रेसेस यहाँ पे जो पहले स्टडी हुई थी उसमें यहाँ पाए गए थे। ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस के जो वाकाटक डायनेस्टी के रूलर्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी की थी, मीन्स जो आपका दूसरे जो राज्य की जो दूसरे राज्य की जो राजकुमारी के साथ में वैवाहिक संबंध मैट्रिमोनियल अलायंस के साक्ष्य मिलते हैं। इनके जो आपका मैट्रिमोनियल अलायंस है अदर डायनेस्टीज ऑफ देयर टाइम्स, वन ऑफ द की अलायंसेज वॉज द
प्रभावती गुप्ता ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के मैंने अभी आपको बताया वो क्या था, वैष्णव वाइट है, उनके जो इनके साक्ष्य मिलते हैं कि प्रभावती गुप्ता जो कि गुप्ता डायनेस्टी थे उनके साथ में मैट्रिमोनियल अलायंस किया किसके द्वारा, वकाटका किंग गुरुद्रसेना सेकंड के द्वारा। रुद्रसेन सेकंड की जब मृत्यु होगी तो 10 ईयर्स तक ये प्रभावती गुप्ता जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी उन्होंने राज्य किया, जब तक कि उनका सन प्रवरसेना सेकंड तब तक सक्सेड नहीं कर पाया तब तक। अब यहाँ पे क्वीन प्रभावती गुप्ता एंड वैष्णविज्म की बात करें, बिकॉज प्रभावती गुप्ता आपके गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करती है और गुप्ता जो गुप्ताज है वो किसमें किसको वो वैष्णवाइट कल्चर पे बिलीव करते थे, तो जो यहाँ पे वैष्णवाइट कल्चर के साक्ष्य मिले वो ये क्या बताते हैं कि जो प्रभावती गुप्ता जो काफ़ी पावरफुल रूलर थी। फाइंडिंग्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्ले सीलिंग्स को मिला, जो मैंने अभी आपको पहले डायग्राम में बताया था, जो ओवल शेप्ड शिलिंग बिलोंग्स टू द पीरियड व्हेन प्रभावती गुप्ता वॉज द क्वीन ऑफ द वकाटका डायनेस्टी। उनका नाम प्रभावती गुप्ता का जो नाम है उसके ऊपर मेंशन किया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर, और डेपिक्शन ऑफ द कॉन्च, कॉन्च मीन्स आपका शंख जो होता है वो शंख क्या बिलोंग करता है, वैष्णवाइट कल्चर से बिलोंग करता है, तो वो वैष्णवाइट अफिलिएशन दैट द गुप्ताज हेल्ड। कहने का मतलब जो प्रभावती गुप्ता जो कि गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करती है जो कि वैष्णवाइट कल्चर में बिलीव करते हैं, तो वैष्णवाइट कल्चर का इन्फ्लुएंस वकाटका डायनेस्टी के यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ये मेन पॉइंट है अपना। इसके अलावा बात करें जो बहुत सारे टेम्पल भी बनाए गए जिसके ऊपर जो वैष्णवाइट कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस देखा गया, और जो सीलिंग को ट्रेस किया गया है मेगा वॉल से, जो ऐसा माना जाता है कि वो रॉयल स्ट्रक्चर का जो पार्ट रही होगी। इसके अलावा जो कॉपर प्लेट इशूड बाय क्वीन प्रभावती गुप्ता, उसके जो कॉपर प्लेट के अंदर वहाँ पे जीनियोलॉजी ऑफ द गुप्ता, जीनियोलॉजी का मतलब वंशावली है उसके ऊपर अंकित है, तो उसके अंदर जो क्वींस जो ग्रैंड फादर थे समुद्र गुप्ता एंड उसके फादर थे चंद्रगुप्ता सेकेंड, उनका भी नाम उसके ऊपर मैंशन है। और वकाटका जो है वो ट्रेडिंग करते थे ईरान एंड बियॉन्ड अदर द मेडिटेरेनियन सी, एंड द सीलिंग्स आर बिलीव टू बी यूज्ड एज ऑफिशियल रॉयल फरमान परमिशन इशूड फ्रॉम द कैपिटल। जो अभी सीलिंग्स मिली है उनको ऐसा माना जाता था कि वो ऑफिशियल रॉयल परमिशन मिलती थी ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत पर्व 2020। एनुअल इवेंट ऑफ भारत पर्व 2020 को अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है 26 to 31 January 2020 न्यू दिल्ली के अंदर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों के अंदर ये स्पिरिट को इनकलकेट करना कि वो अपने इंडिया के ज़्यादा जो प्लेसेस हैं उनको विजिट करें, उसको और जो स्पिरिट है देखो अपना देश, इस स्पिरिट को रिवाइव करना और इनकलकेट करना। थीम क्या है इस इवेंट की, एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, आज मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना, कल मैं इसको डिस्कस करूँगा। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।